नमस्कार, जनता दरबार में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा। खबरें एक झलक में नजर डालते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर। श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन श्रीनगर के शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ, जहां वे इस केंद्र शासित राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सहित कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह इस सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी और न ही उसके किसी विधायक को मंत्री पद सौंपा जाएगा। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया आज कुछ घंटों में पूरी हो जाएगी। इसके लिए भाजपा की विधायक दल की बैठक पंचकुला के पंचकमल ऑफिस में आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के ऑब्जर्वर गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल है। चुनाव से पहले नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया था, लेकिन वरिष्ठ नेता अनिल विज ने भी अपनी दावेदारी पेश की थी। हालांकि मीटिंग में पहुंचे विज ने स्पष्ट किया कि उनकी दावेदारी नहीं है और उन्होंने पार्टी के फैसले का सम्मान करने की बात कही। इस बीच अहिरवाल बेल्ट के भी नेता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा डेयरी किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 92.41 करोड़ रुपए की अनुदान राशि पशुपालकों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इससे प्रदेश के लगभग 3.25 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादकों को दूध के मूल्य का भुगतान RCDF द्वारा किया जाता है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने म्यूनिख में आयोजित राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीट के दौरान राजस्थान और जर्मनी के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समानताओं का जिक्र करते हुए निवेशकों को पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान की जनसंख्या लगभग 8.2 करोड़ है, जो जर्मनी के समान है। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान और जर्मनी के बीच गहरी सांस्कृतिक समानताएं हैं और पर्यटन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच अपार संभावनाएं मौजूद हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।